एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। गाइस, आज हम जा रहे हैं जागरण में, जो कि है आश्विकी मासी के घर पे। और आश्विकी मासी यहाँ जागरण इसलिए भी है क्योंकि उनके दोनों बच्चों का आज बर्थडे है। गाइस, आप सोच रहे होंगे बच्चों का बर्थडे मींस उनका एक बेटा एक बेटी या दोनों का बर्थडे सेम डे में आता है। और गाइस, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं क्योंकि उनके घर पे दिन में पूजा थी सत्यनारायण की कथा, और बर्थडे केक भी कट चुका होगा और हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। इसलिए गाइस, हम फटाफट जाते हैं और फिर हम आपको वहाँ का पूरा प्रोग्राम दिखाएंगे। ओ गाइस, हम चल दिए अपनी मंजिल की ओर और वहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका होगा और हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। गाइस, ये देखिए, ये वाला पुल मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है। जब हम कहीं जाते हैं तो हमें रास्ता इतना लंबा लगता है, पूछो ना बात। और गाइस, अब हम पहुँचने ही वाले हैं बस। देखिए गाइस, उनके घर की गली और फाइनली हम पहुँच चुके हैं। बैग हो गया था वो। ये देखिए गाइस, चलो हमें वहाँ पे फोटोज़ वगैरह खिंचाइए, गिफ्ट वगैरह दिया और फिर हमने खाना खाया क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी और खाना भी लगा हुआ था, तो हमने सोचा सबसे पहले पेट पूजा कर ली जाए। गाइस, ये देखिए आराध्या कितनी सुंदर लग रही है और विवान का तो कुछ पता ही नहीं है। हेलो आराध्या, उधर देखो बेटा, आराध्या हैप्पी बर्थडे। तेरा ही गिफ्ट है ये? अरे नहीं, ये मेरा, ये सारे आराध्या चारों डांस नहीं होती है, ठीक है? कितनी होती है? चार। अच्छा, आप ये बताओ, एक बकरी की चार भवानी प्यारा सजा है तेरा भवानी। आई नाच कूद कर हाथ लगाए मेरी माँ के चरणों में, मेरी माँ को रिझाए और सभी ने मिलकर कहना है क्या? दरबार तेरा, दरबारों में एक खास अहमियत रखता। एक बार बाबा को अपने हाथ दिखाएं और मेरे साथ मिलकर कहें, सच्चा है दरबार तुम्हारा, संकट काटे श्याम हमारा। और ये देखिए आश्री इतनी मस्ती कर रही है यहाँ पे, सब लोग डांस कर रहे हैं। इसको मैंने बोला कि मैंने कहा आश्री डांस कर ले, ये अपनी मासी की लड़की के साथ फुल एंजॉय कर रही है यहाँ पे। उसको खींच खींच के लेके जा रही है कि मैं अकेली डांस नहीं करूँगी। इसका नाम जानवी है। जानवी, दीदी मैं आपके साथ डांस करूँगी। और ये देखिए, इसको बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। मैंने उसको बोला स्वेटर पहन ले, क्यों उतारा है? इसने अपना स्वेटर उतार दिया। इसको इतनी गर्मी लग रही थी वहाँ पे, ठंड के मौसम में भी इसको ज़्यादा ही गर्मी लगती है कुछ। और गाइस, ये मेरे मम्मी पापा हैं और मैं अपने मम्मी पापा के पास बैठी हूँ। कृपा दृष्टि पर बनी रहे और परिवार वाले ऐसा सुंदर आयोजन हर वर्ष कराते रहे और आप सभी को बुलाते रहे। एक बार जोरदार ताजा सभी परिवार वालों के लिए। भक्तों ने पूछा बस सवारी तेरी क्या है?
तो सबको ही पता होगा किस पे सवार होके आती है हमारी माता, शेर। शेर पे, कौन से शेर पे? पीले शेर पे। पीला शेर बता गई रे, पीला शेर बता गई रे, एक छोटी सी कन्या भक्तों को दर्शन दे गई रे, एक छोटी वे आई मुंह कुछ भूल चुनिए, शेरा वाले नु पसंद की वे आई मुंह कुछ भूल चुनिए, महारानी नु पसंद की वे आई मुंह कुछ भूल चुनिए, ये भजन केवल शेरावाली माता के लिए नहीं है, सभी माताओं के लिए है। पूरी रात जागरण में बैठ के बोलते हैं जय माता की, जय माता की, जय माता की, तो घर जाके अपनी माँ को बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हैं, तो पूरी रात जागरण में बैठने का कोई फायदा नहीं हुआ, मेरा ऐसा मानना है। तो ये भजन उन सभी माओं के लिए है। अगर सहमत हो इस बात से तो संस्कार के लिए अपने बच्चों को दरबार में लाया करो, कहीं भी लेकर जाया करो। तो शरीफ आदमी हमारे साथ, तो जब पूरी रात बैठकर जोर से बोलो जय माता की करते हो, तो घर जाके भी तो अपनी माँ को प्यार से बात करनी चाहिए, बोलो जय माता की, सच्चे दरबार की। तो एक सुंदर सा भजन, उसके बाद जाके तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ गाइज, अब तारा रानी की कथा स्टार्ट हो चुकी है और हम भी रेडी हो चुके हैं और मैं चलती हूँ तारा रानी की कथा में। जो फल निकलना है वो ऐसे नहीं होगा, तुम्हारा निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। एक काम करो, तुम्हारे नाम की पर्ची डालते हैं और जिसके नाम की पर्ची निकलेगी, अंदर का सामान उसका और बाहर का सामान दूसरे का।
चंद्र भदननी को जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया। और गाइज इसी तरह से जागरण समाप्त हुआ और पंडित जी ने पंच के बिठाए। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर देना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।